हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। बोलिए दुर्गे माता की जय। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं जो कटनी का सबसे विशाल और एक बड़ा मंदिर है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये मंदिर कटनी के विश्राम बाबा के स्थल काली जी का मंदिर ना ही सिर्फ कटनी का सबसे बड़ा ये मंदिर है, मगर उतना ही प्रसिद्ध भी है। तो दोस्तों, हम जा रहे थे घूमने, रास्ते में तो हमें ये मंदिर दिखा, तो हमने सोचा चलो मंदिर के बारे में कुछ जानकारी ले लिया जाए, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत देखने में लगा हमें। तो हमने इसके बारे में पता किया, तो कुछ ही मतलब क्षणों में चला कि जो बनाने वाले थे उनका मृत्यु हो चुका है। पर दोस्तों, इनका नाम जो है राकेश बाबा वाजपेयी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की स्थापना सन 1999 में करवाई गई। माई धाम के नाम से जानने जाने वाला ये स्थल पहाड़ों पर ऊपर निर्मित है। वाजपेयी जी के उनके साथियों द्वारा 23 साल से मंदिर हर वर्ष विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किया जाता है, जैसे नवरात्रि के समय पे किया जाता है या फिर अदर कोई भी फेस्टिवल वगैरह त्यौहार वगैरह आता है तो यहाँ पे सजावट बहुत ही अच्छी तरह से की जाती है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि इनके साथी बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देते हैं, इसलिए ये मंदिर बहुत ही अच्छा है। क्योंकि यहाँ मंदिर का जो भी आप सजावट देखोगे बहुत ही खूबसूरत आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पे बाबा राकेश वाजपेयी की दुआ है कि जो उन्होंने मंदिर बनाई और अभी तक उनके साथियों भी अभी तक लगे रहें इस मंदिर को निर्माण में, और अभी भी जो भी कार्यक्रम होता है उनका हाथ बहुत ही ज़ोरदार और शानदार भी होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, मंदिर को कितनी अच्छी तरह सजाया गया है, पेड़ हर एक पेड़ पौधों पर आप लोगों को झालर बहुत ही लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों, नॉर्मल भाषा में बताऊं तो दोस्तों, ये कटनी के कलेक्ट्रेट ऑफिस के बगल में उद्योग विभाग है, वहाँ पे आप चले जाओगे तो ये मंदिर आपको मिल जाएगा। और इस मंदिर का नाम है माई मढ़िया मंदिर भी आप कह सकते हैं, या फिर उद्योग विभाग के पास मंदिर है इस नाम से भी आप जान सकते हैं, क्योंकि ये सरल तरीका है, क्योंकि नए लोग जो है पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए मैं सिंपल तरीका बताया। और जैसे कि आप लोग पहाड़ों पे भी देख सकते हो कि बहुत ही शानदार मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं घूम पा रहा हूँ, मतलब जिस तरह से मैंने घूमा उस तरह से आप लोग भी घूम सकते हैं, बहुत ही शानदार। बट दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ, वहाँ पे कैमरास अलाउ नहीं है, ना ही वीडियो बनाना अलाउ है अंदर माई के मंदिर में। मैंने परमिशन लेके ही वीडियोस वगैरह जो है बना पाया है, बाकी आप बाहर जो भी करना चाहते हैं मंदिर के आप कर सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह बना सकते हैं। ये अंदर मैंने वीडियोस बनाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का मूर्ति आप लोगों को एक अच्छी ही देखने को मिल जाए। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि वो लोग भी हमारे कटनी के सबसे बड़ा मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर को देख सकें, दर्शन कर सकें और आकर भी दर्शन कर सकें। तो दोस्तों, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि और आगे वाली वीडियो कटनी से रिलेटेड भी हमारी रहेंगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप पूरी फुल वीडियो देखना, हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में आप लोगों को राकेश बाबा के सदस्यों से मिलवाने वाला हूँ, ताकि आप लोग भी देख सकें वो सदस्य कौन कौन से हैं। तो चलिए, हम वीडियो के एंड में फटाक से मिलते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने तो मंदिर का नज़ारा देख ही लिया होगा कि किस तरह का, और साथ ही यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था की गई है जो मेरे फ्रेंड्स लोग अकेले अकेले खा रहे हैं। और दोस्तों, अब बारी राकेश बाबा के, और यहाँ पे लास्ट में हमारे राकेश बाबा जी की फ़ोटोज़ वगैरह लिए और यहाँ पे अब हम निकल रहे हैं। तो दोस्तों, यही है आज की इस वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ वगैरह लाता रहूँगा। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बोलिए दुर्गे माता की जय।